Govardhan Saab, Jindabad. Govardhan Saab, Jindabad. Govardhan Saab, Jindabad. Govardhan Saab, Jindabad. अरे रुको 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 जरा रुको रुकिए रुकिए क्या है ये सब? सर हम मार्केट के बारे में कुछ भगवान के लिए कुछ कीजिए। मैंने कितनी बार कहा है मुझे जमीन के लफड़े में मत घसीटो, कुछ नहीं कर सकते। आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? क्यों, क्या मेरे दो सिंग लगे हैं? सुबह से ही दिमाग खराब है, टेंशन है, ऊपर से पार्टी वालों ने मेरी जान ले रखी है। इसके ऊपर इस ठाकुर बाबा से बंगाल लूंगा तो ये माला मुझ पर नहीं मेरी लाश पर डालनी पड़ेगी। सर वो दया करके तुम लोग मुझे माफ करो, कोर्ट वगैरह है, लॉयर बहुत है, उनके पास जाकर ट्राई करो, मुझे जाने दो। सर इस केस को कोई भी वकील लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों होगा, क्यों लड़ेगा वो? न्याय की दृष्टि से वो जमीन आपकी है, लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, उस ठाकुर बाबा के पास है। लेकिन सच्चाई क्या? सुनिए, अब ये लीगली हो या इलीगली हो, उस ठाकुर बाबा से नहीं लड़ सकते हम। ये माला मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो, छोड़ो मेरा रास्ता, छोड़ो प्लीज। सर सर, सर, सर। असल में ये ठाकुर बाबा कौन है? तुम नया हो ना, कुछ दिनों में समझ लोगे। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, कल सीएम से मिलेंगे हम, वही ठीक होगा। ये बात अगर ठाकुर बाबा को पता चली तो क्या होगा? हाँ क्या हो जाएगा? हाँ माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, माफ कर दो, माफ कर दो भगवान, उसे भी पकड़ लो। सर सर, hey, सर कौन हो तुम? बोलो, थाने में हो फिर घबराते क्यों हो? क्या सर, हुआ वहाँ ठाकुर बाबा के लोगों ने? क्या क्या? सर वो मुझे मारने आ रहे सर। hey, कौन है वहाँ? इधर आओ। तुम ही कल वहाँ एमपी साहब के घर पर आए थे? हाँ सर, इसीलिए वो लोग मुझे मारने आ रहे सर। वो उनके नाम जानते हो? हाँ जानता हूँ सर। तुम कंप्लेंट दो, उन कुत्तों को लाकर भीतर डाल दूंगा। hey, सर इतना समझा रहे तो कंप्लेंट क्यों नहीं देता तू? ठीक है दे दूंगा। लक्ष्मण सर रिपोर्ट लिख लो, नाम बता। कुंदन है साहब। सर मेरी बेटी को हाई फीवर है, अभी बीवी ने फोन किया है, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए सर। जाओ। थैंक यू सर। एड्रेस बोलो। सर 34/1 महाकाली मार्केट, मार्केट। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे सुबह से ही टेंशन है, बीपी ज्यादा हो गया है, जाऊं? जाओ। सर उम्र में बड़ा हूँ, 15 साल से इसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ, मेरी बात मानिए, कंप्लेंट्स वगैरह कुछ मत लीजिए सर। सिर पर पुलिस की टोपी पहन के तुम्हें इस तरह की बातें करते शर्म नहीं आ रही है? देखो तुम लोग इस तरह क्यों चले जा रहे हो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जिसे भी डर लग रहा है वो शर्महया छोड़कर दफा हो जाए। सर वो सब तो डरपोक है, तुम बताओ। ठाकुर बाबा तू अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता है? hey! जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ, गेट आउट। इसी पे भरोसा किया तूने? भाग जाओ यहां पर क्या हुआ था?
उसको चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करके मैं लाया था, मगर उसने एसआई साहब पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की तो। अच्छा, तब मैंने बचाव के लिए उस पर गोली चला के मार डाला। गुड, एफआईआर बदल दो। ए! पुलिस स्टेशन में आकर इतनी बेरहमी से एक इंस्पेक्टर को शूट करते हो तुम? इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई? तुम्हें देख कर आई है। ए! प्लीज 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 ठाकुर बाबा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। नारायण, तुम पुलिस वालों से मदद मांगेगा? इतना डरपोक नहीं है ये ठाकुर बाबा। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, महाकाली मार्केट के मामले में जो कोई भी आएगा उसकी भी यही हालत होगी, समझे? गरीबों का दाता, खलनायकों का नायक, हमारे ठाकुर बाबा की दुबई यात्रा सफल हो, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, कानिया और उसके साथ ही। छी, नायक कहता है अपने को बेरहम डाकू है, जो इसको नायक बोलता है वो भी चोर है। कानी आ रहा है। ए, क्या भाई, इस मार्केट में सुना है सबने मुझो पे ताव देना शुरू कर दिया? हा? क्या हमारे ठाकुर बाबा के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? नखरे ज्यादा हो गए क्या? उस गौतम की क्या परिस्थिति हुई तुम भूल गए क्या? खल्लास कर दूंगा। बदमाशी दिखाते हो? आज से इस महाकाली मार्केट में एक दुकान वाले को रोज 200 रुपए, झोपड़ी वाले को 50 हफ्ते के रूप में देने होंगे। ठाकुर बाबा का हुक्म आया है, जाओ। ए, चल हट, जल्दी डाल, जल्दी डाल, चल चल बे, चल चल जल्दी चल। मानव जीवन में एक बार ही मरता है। ऐसे क्या देख रहे हो, पैसे डालो। जी, पैसे तो नहीं है। ए, पैसे नहीं है तेरी। लेकिन भयभीत व्यक्ति हर रोज मरता है। ऐसे डरपोक बेकार लोगों को बचाने वो भगवान भी नहीं आएगा। क्या देख रहा है, पैसे डाल। तुम सब में हिम्मत जगाने वाला एक दिन जरूर आएगा। देखो वो आ रहा है हिम्मत वाला। रुको। ओके। भाई आज तो काफी पैसे कलेक्शन में आए हैं ना? अरे वो दुकान कहानिया भाई, वहां कोई नई दुकान लगा रहा है। तूने किससे पूछ के यहाँ दुकान लगाई भाई? अरे कौन हूँ मैं, तू जानता है? जानता हूँ भाई, लेकिन मैंने इस दुकान का नाम किसके नाम पे रखा है आप जानोगे तो इस तरह फड़फड़ाओगे नहीं। किसके नाम पे है बोल? मंगी भाई के नाम पे। मंगी भाई कौन है? मंगी भाई? हाँ मंगी भाई, मंगी भाई याद नहीं है आपको? कानिया, अरे मेरी मौत पर क्यों नहीं आया? ऐसे क्या घूर रहे हो? माँ, माँ, ए सुनो, तुम
मेरी माँ को कैसे जानते हो? भाई माँ के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ। जब तुम 12 साल के थे उस वक्त विजयनगर से भागकर औरंगाबाद आए थे। वहाँ कोमल चौक विजय के पास 4 साल रहकर चोरी डकैती केस में फंसकर मुंबई भाग गए थे। वहाँ बोरीवली कासिम पहलवान के पास 10 साल स्मगलिंग का धंधा किया तुमने। वहाँ पर गैंग वॉर से बच के तुम हैदराबाद भाग गए। अब पिछले 4 साल से यहाँ ठाकुर बाबा के पास रह रहे हो ना। तुमको अपना आदर्श मान के मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ भाई, इसीलिए तो यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ भाई। मैं भी विजयनगर का हूँ भाई, वो जो बड़ा वाला राम मंदिर नहीं है उसी के पास रहता हूँ मैं। माँ को तो मैं अच्छी तरह जानता था। वो एक दिन माँ और मैं तुम्हारे घर के सामने से जा रहे थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे पुकारा और कहा कि लो 2000 रुपए पकड़ो और कहा कि इस हालत में मत रहो, जाओ तुम शहर और मेरे बेटे की तरह बड़े आदमी बनो। तो मैं चला आया। वो आदर्शवादी माँ आज हमारे बीच नहीं है। भैया कहानियों इतने लोगों तुम में से किसी ने भी अपनी दुकान मेरी माँ के नाम पे रखी क्या? मेरी माँ के नाम पे? ए हाँ हाँ भाई। क्या तेरा? बलराज भाई। हाँ बलराज, आज से मेरा छोटा भाई है। ए सुनो, तुम दुकान चलाओ। जी भाई। भाई हाँ, माँ के नाम पे दुकान खोली है तो कम से कम बोनी तो करा के जाओ। भाई भूल गया था भाई, वो फूलों की माला कितने? माला क्या भाई, अपनी हैसियत के हिसाब से बोनी करो ना। हिसाब से बोनी करूं? ए सुनो, पूरे पैसे दे दो भाई। अरे दे दे, कहा ना सारे दे दूं। ए भाई ये जय हो, चल चल खुशी मना।
सजती जाए खुशियों की महफिल, हर सू मेरा ही जादू मेरा ही चर्चा, गलियों में मैं जो घूमू लहरा के मैं जो झूमू बाहों में सारे आजमा को भर लू, बहुत हौसला है मेरे सीने में है एक नया अंदाज है जीने में, ए बहुत हौसला है मेरे सीने में ए, एक नया अंदाज है हाजी मेरे जीने में, जाऊं मैं जहां आए सब वहां मेरे पीछे चले ये जहां, मेरी हर अदा है सबसे जुदा, मैं तो हूं राजा दिल का, मैं तो हूं राजा दिल का। ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? ये पोर्शन खाली नहीं है। हम खाली है साहब। तुम खाली हो सकते हो, ये खाली नहीं है। कहाँ से आए हो? इस घर में नए किराएदार हैं हम। अरे ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए। राजेश्वरी जी तुम्हारी क्या लगती है? उनका ये बेटा लगता है। तुम इसके क्या हो? तुम जो भी समझ लो भाई। अच्छा अच्छा, काम वाला होगा। शौक के होते हो, ये टिफिन जो हाथ में है। हम लोग शहर में नए आए ना, इसलिए खाना वगैरह बनाना शुरू नहीं किया, बाहर से ही लाते हैं, समझ गए? ओके ओके ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह जानते हो ना? जानते हैं सब। रात में कितनी भी बिजली यूज कर सकते हो, लेकिन 9 बजे के बाद मेन बंद कर दोगे। दीवार पर कितने भी कैलेंडर लटका सकते हो, लेकिन कील नहीं ठोकोगे। ना समझ। पानी तो मैं जैसा कहूँ वैसे। पानी के बारे में मत सोच, हम पूरे साल के नहाते रहेंगे, कोई काम नहीं है क्या हमें? फेस्टिवल के दिन ही नहाएंगे। देखिए फिकर मत कीजिए, आपके घर को हम अपना ही घर समझेंगे। बड़ी खुशी हुई। चल बने। और तुम रेंट मत मांगना। बन्नो आजा आजा। सुनो भोजन तैयार है, चलो उड़ाते हैं, आ जाओ। ए चेरी। चाचू मेरे स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? क्या एक महीना और लगेगा? नहीं बेटा, तुम बहुत फिक्र करते हो ना, इसलिए स्कूल वालों ने कल ही बुलाया। क्या? कल? और क्या? ठीक है, को एजुकेशन है ना? तुम्हें एजुकेशन से मतलब है या को एजुकेशन से? एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए चाचू। ओहो सही बोला। इसने भी ऐसा ही सोचा था, इसीलिए आज टिफिन उठा रहा है। भाभी इस शैतान को जरा कंट्रोल में रखो। क्या बात है बालू? अब इसी से पूछ लो। क्या बकवास कर रहे थे चाचू जी? अरे लक्ष्मी। हाँ? तुम्हारा कॉलेज कब से? मंडे से है। हाँ, माँ कहाँ? वहाँ है। अरे माँ आते ही इतना काम क्यों करती हो? ये तो हमेशा होता है बेटा। लक्ष्मी तो परसों से ही मेडिकल कॉलेज जाएगी, चेरी का भी बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया है, और मुझे भी शॉप मिल गई है माँ। 2 दिनों में गैस का कनेक्शन भी आ जाएगा। अब और कोई काम बचा हो तो बताओ माँ। बहुत काम हो गए। वैसे इस शहर के बारे में सोचते ही मन में डर होता है। किसी शहर में कोई डर नहीं होता, अगर हम में हिम्मत हो तो डर हमें छू भी नहीं सकता। अरे मैं हूं ना माँ। माँ चलो खाना खाते हैं। हाँ लक्ष्मी। क्या है भैया? अच्छा तुझे कैसा चूड़ीदार चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। बेकार है, यहाँ कुछ ठीक लग रहा है। हाँ मुझे लगा ये तुम्हारी चुन्नी नहीं है। हाँ? क्या कहा? मेरी चुन्नी नहीं तो मैं क्यों पहनती? यही तो मैं समझ नहीं पाया। ओ, ऐसा क्या? जानबूझ के शॉप में घुस के सुंदर लड़कियों को छेड़ते हो, और जब मैं दिखाई पड़ी तो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा तुमने, बोलो क्यों? देखिए देवी जी, जानबूझकर नहीं खींचा मैंने दुपट्टा, मैं सच कह रहा हूं, आपकी कसम। ए, डोंट एक्ट स्मार्ट। देखो मान लो तुमने गलती की है, मान लो। गलती मैंने की नहीं तो क्यों मानूं? अरे तुम जैसे स्ट्रीट रोमियो को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मान जाओ।
नहीं तो चीटिंग केस में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ज्यादा पहले गलती करते हो ऊपर से ऊंचा बोल रहे हो। मैंने कहा ना मैंने जानबूझकर नहीं खींचा। अरे बेटी छोड़ो भी, उसने जानबूझकर नहीं खींचा है, बोल रहा है ना। नो सर, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इनको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी दुकान में आएंगे तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटी, इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं। होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू। इडियट। Hey, रुको। ये क्या किया तुमने? अनजाने में डोर ओपन किया। अच्छा, अनजाने में किया? और क्या? वैसे पूछने वाले तुम कौन होते हो? एक मर्द हूँ। और फिर एक मर्द के साथ अन्याय हो रहा हो, ये मैं कैसे सह सकता हूँ? मर्द हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ क्या है? वहां अनजाने में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, और यहाँ इन्होंने अपनी इज्जत 50 साल से संभाल के रखी, उसे तुमने एक सेकंड में उतार दी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे भाई, इन्होंने सब कुछ देख लिया। वैसे आपके झगड़े का मेरे पैंट पहनने से क्या संबंध है? बिल्कुल है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो केस खत्म होने तक गाड़ी वहीं पर रहती है ना, तभी तो उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। ये भी वैसे ही है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज, एंड द ब्यूटीफुल लेडी ओवर देयर। ओके, अब मुझको बोलने दो। देखो, तुम जानबूझकर इस शॉप में आई, और ये मोटू अंकल को जिन्होंने स्ट्राइप्स निकर पहनी, उस बबलू अंकल को अच्छी तरह ढूंढा ढूंढ के दरवाजा खोला देखने के लिए। क्यों? कौन? मैं? हाँ, तुम ही। इन्हें देखने? हाँ, इन्हें। ये क्या कोई बड़ी फिल्म स्टार है जो मैं इन्हें देखूंगी? हाँ, फिल्म स्टार होता तो जरूर देखती। लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट दिस पॉइंट, जब पकड़ी गई तो कैसे मुंह छुपा रही है, देखा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? गलती हो गई है, मान लो। नो। मैं कहता हूँ तुम गलती मान लो, वरना एडम चीजिंग केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा, समझी? क्या है? ये क्या है? आहा, गलती करके ऊंची आवाज में बोल रही हो? अरे बेटा छोड़ दो, अब छोड़ो भी। इसने जानबूझकर नहीं देखा, बोल तो रही है। नहीं सर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस जैसी अगर 4 लड़कियां शॉप में आ गई ना तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटा, इस लड़की को देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने वाले दिखते शरीफ है, होते बदमाश है। नॉनसेंस, अंकल को देखते ही बस यूं आगे पीछे देखे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं। स्टॉप इट! देखो मैं मान रही हूँ। क्या? जानबूझकर देखा? यही ना? यू? ओके, वहाँ तुमने जानबूझकर चुन्नी नहीं खींची, और यहाँ मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं देखा। ओके? ओके। छोटे भाई, तुमने मर्द होकर एक मर्द की इज्जत बचाई, वाह, तुम तो सचमुच के मर्द हो। कपड़े पहनो, तुम सलमान नहीं हो। इंग्लिश में ही बात करना तुम। एक्सक्यूज मी सर। यस, आई एम बालू बलराज। हे मिस्टर बंटी, आई एम अ बुकेस्ट। बुकेस्ट? मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेस्ट कभी नहीं सुना। थोड़ा इंग्लिश में वीक है। आप इंग्लिश में वीक है सर। सर, बुकेस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेस्ट नहीं। अरे फिर तूने बुकेस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चेरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था। आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी सर। ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है। एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोला, बहुत अच्छे लगेंगे सर। हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर। सर 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 सर, एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा आएगा। आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपको हम 25% कमीशन देंगे। कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी, गिफ्ट के रूप में दीजिए। बस करो, हम आपसे कल सुबह मिलेंगे। जहाँ पना नमस्ते। अरे ओ जमराज भाई, अरे जरा देख के। सॉरी भाई, भाई तो
तुम ये जो इस्तेमाल किए कपड़े फेंकने के बजाय मुझे देते हो बड़े लंबे हैं मेरे लिए। इस दिवाली पर तो नए कपड़े खरीद के दो ना भाई, हीरो लगूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है जा। अरे ये क्या, इतना कम कलेक्शन हुआ है? हर दुकान वाले ने माँ की ही फोटो लगा रखी है भाई। आइसक्रीम फिर ये 20 रुपए कहाँ से आए रे? उस मटन शॉप वाले ने अभी तक माँ की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उसे फोटो नहीं मिली। आहा, इसका मतलब वो उस फोटो का जेरोक्स निकाल के रखेगा तो ये 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वही बात है। देख लिया भाई, ये सब उस बालू की वजह से हुआ। उसने आते ही माँ की फोटो लगाई तो उसे देख कर सबने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया। अच्छा तो माँ की आड़ में सब लोग मुझे इस तरह पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो नहीं भाई, वो बालू कुत्ता हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने आते ही हम सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। वो मुझे मामूली आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक लगता है। हाँ तू जो कहता है सच लगता है। भाई ये क्या है? ये फोटो है भाई और ये पैसे है भाई। माँ का सम्मान करके मैंने फोटो रखी तो लोगों ने उसे कमर्शियल कर दिया भाई। अब इस फोटो की मुझे जरूरत नहीं है, माँ तो मेरे दिल में बसी है और मेरे दिमाग में भी है। ये आज का कलेक्शन है भाई, जितना चाहो ले लो, बाकी इसके हाथों भेज देना भाई। मैं चलता हूँ, चलता हूँ। मेरे भाई। क्या भाई? ये ले लो। सब रुपए दो। आज के बाद मेरी माँ की तस्वीर सिर्फ बालू ही लगाएगा, अगर और कोई लगाएगा तो मार डालूंगा। प्लीज कम ऑन यार, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो ना। क्या रे? ये क्या चाचू, थोड़ी तो डिसेंसी होनी चाहिए। A for apple। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा रिएक्ट क्यों किया? तुम कुछ गलत सलत सोचोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत सलत यानी तुमको गलत क्या है पता है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ ना। बहुत हो गया बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे देखता हूँ। चाचू क्यों? इसकी आंटी के आने तक मुझे इसको कंपनी देनी है। अच्छा ऐसा है, नाम क्या है? कोई बात नहीं, बता दो, मेरे चाचू ही है ना। लिली। बड़ा कंट्रोल में रखा है इसे तुमने, ये बेवकूफ पड़ता है या नहीं? ओके। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट है। चाचू तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बोल रहे हो। गर्लफ्रेंड? हाँ या आई एम अ गर्ल यू नो एंड शी इज माय फ्रेंड गर्लफ्रेंड। बहुत अच्छे, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लगे रहो। अरे बचपन से जब मुझे डर लगता है तो मैं ऐसे ही रिएक्शंस देता हूँ। उस दिन वैसे इस दिन ऐसे तुम तो बहुत। लिली लेट्स गो। चेरी लेट अस गो। चाचू क्या है, सचमुच में डर गए थे क्या? अरे ऐसी लड़की को देख के कोई डरेगा क्या? हाँ लेट अस गो। सुन क्या है, बड़े टेंशन में लग रहा है ये। जाके पूछता हूँ मैं। क्या बात है, तब से देख रहा हूँ बड़े टेंशन में लग रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं क्या? प्रोफेशनल प्रॉब्लम। वन ऑफ आवर एमडीज आज डिनर पर आएंगी। लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया था, उस म्यूजिक वाले ने हाथ दे दिया। हमारा हाथ ले सकते हैं ना? हाथ का मतलब ये हैंड नहीं, म्यूजिक म्यूजिक। ओह म्यूजिक इज फैंटास्टिक, आई नो इट वेरी वेल। यू नो म्यूजिक? यस। यू नो सैक्सोफोन? सैक्सोफोन क्या जी, ग्रामोफोन टेलीफोन सेल फोन सब मिक्स करके राजस्थान में बना के पाकिस्तान में फिक्स करके हिंदुस्तान में बजा दूंगा। जस्ट 5,000 रुपए दीजिए। 5,000? या यू मीन 5,000? बाकी का 5,000 वाउचर में लेकर अपना कमीशन समझ लो। कमीशन नहीं, वही गिफ्ट समझ लो। म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा, म्यूजिक का उस्ताद हूँ। इतना बोल दिया काफी है, तुम मेरी इज्जत बचा लो बस। देखो 2 घंटे में प्रोग्राम शुरू करना। 1 आवर में स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें कोई बहुत प्रॉब्लम है उनके आने में 2 घंटे।
हाँ। क्या यहाँ आप लोग इस वक्त बजा रहे हैं लाइव? सुनो, पता करो ये कौन है। मैं इस होटल की MD हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी छोटी सी स्कर्ट पहन के इतने बड़े होटल की MD बन गई, तो आप सचमुच बहुत ग्रेट है मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए मैडम, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक सुनना चाहिए। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक, सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन। बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। सो वेयर इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, वेयर इज द पॉइंट आस्किंग अबाउट द म्यूजिक? व्हाट म्यूजिक? व्हाट व्हाट व्हाट? क्या हुआ, तुमने म्यूजिक क्यों रोका? आप सही वक्त पर आए, आप ही बताइए। गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक होना चाहिए ना? वही तो। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक, सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन। बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन। बिकॉज़ म्यूजिक इज म्यूजिक, पर्सन इज पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। तो आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोहराता हूं। नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा शुरू मत करो। गेट आउट। वर्कआउट नहीं हुआ, तुम ही बैठ के बजाओ। नहीं तो उसके अंदर CD है, उसको ऑन कर लो। क्यों बे, यहाँ दाल गलेगी या नहीं? होटल में फूल तो क्या, टहनी भी मत लगाना, बोल दिया था यहाँ जो होगा देखा जाएगा। अब चलो अंदर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम बालू बलराज, फ्लोरिस्ट। अच्छी बात है। मैं बंटी, हेल्पिस्ट। बैठो बेटा, आप भी बैठो। आई एम मोचन, जनरल मैनेजर। सुनने में कुछ अजीब सा है, मेरे दादा ने यह नाम रखा और परलोक से धार गए और मुझे इस हाल में छोड़ गए। बताओ कैसे आना हुआ? सर हम इस शहर के बहुत फेमस बुकेस्ट हैं। हाँ फ्लोरिस्ट भाई सर। वैसे हम अलग अलग देशों से फ्लावर्स इंपोर्ट करते हैं सर। अफ्रीका से जैस्मिन इंपोर्ट करते हैं सर, न्यूजीलैंड से ब्लूपिल इंपोर्ट करते हैं सर, हॉलैंड से ट्यूलिप्स भी इंपोर्ट करते हैं सर। सर आपके रेस्टोरेंट को सजाने के लिए रोजेस, लॉबी की सुंदरता बढ़ाने के लिए लिलीज और रूम की शोभा बढ़ाने के लिए हम चमेली सप्लाई करेंगे सर। सर एक मौका दीजिए, पूरे होटल का लुक ही बदल देंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। बैठो बेटा, कॉफी पीते हुए बात करेंगे हम। ए सुनो, कॉफी, 3 कॉफी लाओ। ए ए अब तू भी गया। बेचारा बड़ा ही भला मानस था, किसी ने उल्लू बनाया और ये GM से वेटर बन गया। वहां जाओ, जाओ तुम, तुम जाओ, जाओ जाओ, हम वर्कआउट कर लेंगे। हाँ बेटा घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, मिलके काम करेंगे। अपना सेल फोन नंबर देकर जाओ, मैं फोन करूंगा। क्यों, ठीक है ना? फिर ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा। ये क्या, महाराज की तरह रहते थे, अब ऐसे क्यों हो गए? मेरा दिल भर आया। अरे अब चुप हो जाओ, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ सर? इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। चाहो तो थोड़ी सी चिंता और मोल ले लो। तुम कोई चिंता मत करो मेरी। सर प्लीज सर, इन होटल वालों को हमारे बारे में बताकर हमारी जिंदगी बर्बाद मत करना सर। चाहो तो थोड़ा कमीशन ले लो। कमीशन या गिफ्ट, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गेट आउट, गेट आउट। Don't get into trouble with your teacher. Behave properly. Good morning, sir. आप अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ना पवन कुमार जी? हाँ बेटी, तुम कौन हो? मैं प्रकाश की सिस्टर हूँ, कुछ याद आया? Yeah, I remember. तुम्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी? बिल्कुल सर, 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए। फर्दर स्टडीज के वास्ते मैं US जाने की सोच रही हूँ। अब तक 2 बार रिजेक्ट हो गया है सर। सर प्लीज इस बार कुछ कर दीजिए ना। यू डोंट वरी, मैं अपने वीजा ऑफिसर से बात करके 2 घंटे में फोन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब दिखाओ। गुड, नाइस इंप्रूवमेंट। अब तुम सीटी बजाना सीखो। ए, ए, ये क्या है, क्या सिखा रहे हो तुम? सीटी कैसे मारते हैं सिखा रहा हूँ। सीटी दूंगी एक तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। बदमाश, सीटी मारना बिल्कुल गलत नहीं, मेरे चाचू भी मारते हैं। तुम्हारे चाचू? वो एक बड़ा बॉस और तुम उसके चमचे। एक दूंगी ना, आइंदा कभी तुझे ऐसे करते देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम चलो। सुनो, वैसे तुम्हारा चाचू समझता क्या है उसको बता देना। मैं देखने में ऐसी हूँ लेकिन बड़ी खतरनाक लड़की हूँ। अगर मुझसे उलझेगा तो उठवा दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी कहो मगर चाचू को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो मैं क्या कर लेगा तू? क्या करेगा बोला? उसको बताएगा
जा बता दे उसको, दो सींग लगे हैं जो मारेगा तेरी आंखें फोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी। पता नहीं अपने चाचू को क्या समझता है। रुको रुको, मैं चाचू को बुलाता हूँ। फिर से उसका नाम लिया तूने। ओए, रुको चाचू। क्या हुआ? हमारी फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रही थी चाचू। ए, मैंने तेरी फैमिली के बारे में थोड़ी ही बुरा कहा। तुमने मेरे चाचू के दो सिंग लगे बोला था। चाचू से तो ज्यादा ये लफंगा लगता है। चाचू, अगर कोई लड़की मुझे इस तरह कहती तो मैं अब तक पता नहीं क्या कर बैठता। बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या गालियां भी दी तुम्हें चाचू? अच्छा हाँ। इधर आ। क्या? क्यों डाटा इसको? ये सीटी बजाना सिखा रहा था लिली को। ठीक है, तो टीचर को कंप्लेंट करो या मुझे बताओ। लेकिन ये गालियां क्यों दी तुमने? उसको इसने दारू तो नहीं पिलाई या बीड़ी सिगरेट पीना तो नहीं सिखाया? ऐसा क्या कर दिया इसने? सीटी बजाना सिखाया चाचू। बस सीटी बजाना सिखाना, इसके लिए तुम उसकी आंखें तोड़ दोगी, हाथ पर तोड़ दोगी। हाँ सिंग सिंग, मेरे दो बड़े बड़े सिंग है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उन सिंग से मैंने तुम्हें कभी मारा? टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू आर टॉकिंग टू मच। हे, यू आर टॉकिंग टू मच। Go back. Okay, I'm going back. You are coming forward. What's your problem? I'll call the police. Okay, you call the police. I will also call the police. Hello? Yeah. Hello? Woman police station? Hello, gents police station? Hey! You! क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ मैडम? तुम ना समझ जाना। मैं कह रही हूँ। तेरा तो मुंह तोड़ूंगा। अरे रुको, मुंह तोड़ोगे? मेरा मुंह तोड़ोगे? मैडम रुकिए, फिर से क्या बात कर रहा हूँ मैं? आप लोग देखो पुलिस का स्कूल में आना ठीक नहीं है, झगड़ा बंद करो। ये क्या कर रहे थे? देखो भाई, हमारे स्कूल की प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाएगी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। जाइए, ये लीजिए अपना मोबाइल। जाओ। अरे चले जाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सर बहुत बड़ी गलती होगी। क्या? सेलफोन्स को बदल के दे दिया आपने। गुंडा, रास्कल, इडियट। हेलो, देखो भाई, मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई। शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? है? रेट वगैरह सब ओके है, तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? व्हाट? तुम कौन हो? वाइफ हो बालू की? कीप योर मैनर्स। ओ, कीप हो तुम? अच्छा। डर्टी रास्कल, पागलों जैसी बातें करोगे तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। कौन हो तुम? बालू कहाँ है? बालू को फोन दो। बालू? बालू, ये अब मजा चखाती हूँ। ए, मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ। बालू से क्या काम है तुम्हें? जानवर, बुद्धू, बेवकूफ, पागल, ब्रोकर, उल्लू के। गुड इवनिंग जहांपना। भाई रुक जाओ। जहांपना अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियां सुनवाते हो? जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियां आज तक कभी नहीं सुनी। जहाँ पना मुझे बोलने तो मेरा मूड बदलते देर नहीं लगती, किसी भी वक्त में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जहाँ पना मेरी बात तो सुनी। जहाँ पना मत बोलो, मेरा फोन मेरे पास है। जहाँ पना वैसे उसने क्या कहा? हाँ हाँ बेटी श्वेता, मैंने तुम्हारे लिए वीजा के बारे में बात कर ली है। काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने। बड़ा आया वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का। बस कोई लड़की ने प्यार से दो लफ्ज बोले पिघल गया। ए, कौन हो तुम? श्वेता कहाँ है? हाँ होगी वो कहीं पर, तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर।
तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर जाकर देखा है कितने मेहनती स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर भूखों पेट घंटों वेट करते हैं वहाँ पर? लड़की के बोलने पर फौरन इंटरेस्ट ले लिया। मुझे तो तेरी नीयत पर शक हो रहा है। छी, खड़ोस कहीं का। ए, ऐसे क्यों बोलते हो? इज्जत से बात करो। तुझको मैं इज्जत दूं बे? चिंपांजी, जुमांजी, वीजा दलाल, गंदी नाली के कीड़े, उल्लू की तुम, पागल कुत्ते। मे आई कम इन सर? सर, क्या मेरा वीजा रेडी हो गया? आपने फोन क्यों नहीं किया? इस जन्म में ही नहीं बेटी, किसी जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी। मैं देखूंगा। गेट आउट। क्या बेबी, मजा आया ना? वीजा कभी नहीं मिलेगा, उस खड़ूस ने कहा ना। हमसे पंगे लेते हो, इतना घमंड है तुझे? हे, हुड़ 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 हुड़। यू 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 या मी 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 मी। मैं कहता हूँ मेरा फोन वापस कर दे, वरना जिंदगी में और बहुत डांट और फटकार खानी पड़ेगी। बालू 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 बालू। अरे तू औरत, ठीक है मेरा फोन ला। देती हूँ। कहाँ है मेरा फोन, कहाँ है? अरे घूरते क्या हो, यही तुम्हारा फोन है। मेरा फोन भी इसी तरह बर्बाद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे 100 फोन खरीद सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, जीवन में किसी चीज को खराब करना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। जिस चीज को आप बना नहीं सकते, उसे खराब करने का आपको हक नहीं। समझ लीजिए, ये आपका सेल फोन, गुड बाय। ओए, क्यों मेरे बारे में सोचते हुए सेलफोन से कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हो? नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ। छोटी सी है जिंदगी, आओ आओ ना प्यार करो ना। मैं क्या जानू क्या है ये प्यार प्यार जी, मुझसे बातें बेकार करो ना। इसका असर पागल कर दे, दिल हो जाए दीवार। दिल में आइए, कुछ सपने देख के जाइए, फिर हमको सिखलाइए जीना। प्यार एक नशा है, बढ़ता ही जाता है। हो जाए तो ये हर पल बड़ा सताता है। इसके बिना भी जीना क्या कोई जीना है? क्यों जाने मुझे इस जहर को पीना।
खुद हो जाऊं मैं बेखुद हो जाए तू चल जाए ना मुझ पे भी अब इसका जग जो तेरे है दिल में तुम उसका इकरार करो ना आओ आओ ना प्यार करो ना जग को भुलाऊं मैं तेरी मीठी बातों में कभी ना आऊं मैं आंखों में हाँ है लेकिन होठों पे ना ना है मैं खो बजानू मेरे दिल पे निशाना है तू जो ना मानी तो ये जान जाएगी मैं नहीं वो लड़की जो मान जाएगी जाऊं मर जाऊं अब तो इनकार प्यार करो ना मैंने माना आज ही प्यार करो ना भैया अरे यहाँ क्यों बैठो मम्मी शाम से ही मंदिर गई हुई है अभी तक वापस नहीं आई मैंने माँ से बाहर जाने के लिए मना किया था फिर क्यों गई शांति शांति अरे ये क्या सब लोग अचानक यहाँ पुरखों से आपकी जमीन पर हम काम करते आए हैं साहब तब आपके दादाओं ने महाकाली की जमीन हमें दान में दी थी आपकी मेहरबानी से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं जानता हूँ ये सब क्यों बोल रहे हो उसके कागजात नहीं है और ये बात किसी तरह ठाकुर बाबा को पता चल गई और वो उस जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है ये तो अन्याय है मैं तुम लोगों के साथ हूँ वैसे पुलिस कानून कुछ है कि नहीं है पर कोई फायदा नहीं साहब यहाँ उसकी बहुत पहुँच है उस जगह के मालिक आप हैं इसलिए आप अगर हमारा साथ देंगे तो ही हमें न्याय मिलेगा भाइयों चिंता मत करो उस जमीन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जल्दी ही तुम सबके नाम पे रजिस्टर करवा दूंगा हजारों साल जिए आप भगवान आपको खुश रखे डैडी वो ठाकुर बाबा खतरनाक गुंडा है आप उसके मामले में दखल मत दीजिए उसने हमारे मामले में दखल दिया है असल में ये सब लोग कौन है जानते हो ये पुरखों से हमारे लिए खून पसीना बहाते आए हैं इनका सुख दुख हमें देखना होगा आप अभी भी उन पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी सबको खाना मिलता है वैसे इस घर को छोड़कर बचा क्या है हमारे पास इसका असली कारण आप ही तो हैं चुप कर तेरी कमाई से हम लोग जी रहे हैं तभी तुझमें इतनी हिम्मत आ गई जो ऐसा बोल रहा है तू ये बात नहीं माँ उस ठाकुर बाबा से लफड़ा मोड़ ना ले तभी ऐसा बोला जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी कोई बात नहीं मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा सुनिए उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए वकील साहब ये रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होगा बेचारे बहुत गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैं सब संभाल लूंगा अरे ओ वकील हा? आज तक महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स खो गए सोच के बड़ा परेशान था मैं लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है इस बात का पता चला तो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो महाकाली मार्केट वहां पर काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ये मैंने वादा किया था तो फिर एक काम करता हूं मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा और डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत भी लूंगा अच्छा मुझे धमकी देते हो तुम जितना भी सर मार लो लेकिन ये महाकाली मार्केट तुम्हें नहीं मिलेगी तो फिर एक काम करो तुम महाकाली मार्केट तुम्हारा घर वगैरह सब कुछ मेरे नाम कर दो चुप रहो तुम अपने आप को समझते क्या हो जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे ओ
वो क्यों तड़प रहा है तुम जानते हो? उसे दर्द हो रहा है। उस दर्द से ज्यादा जब वो मरेगा तो तुझे कितना दर्द होगा सोच लो। क्या तुम सह पाओगे? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए तो। राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। माँ, मैं हूँ। माँ, माँ, माँ। Nothing to worry, it's just mild attack. इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? No doctor. कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके, राइट डॉक्टर। हाँ, हेलो श्रता, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? 21 को लिली का बर्थडे है, आपको जरूर आना होगा। हाँ बेटी, जरूर आऊंगा। अंकल, आपसे जो अभी बात करके गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन्हें नहीं है बेटी, उनकी माँ को है, माइल्ड हार्ट अटैक है। ए बालू, तू पकड़ा गया है रे, तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है, कानिया बुला रहा है तुझे, चलो चल बे। ए, तुम सब लोग जाओ। ए, तुम लोग जाओ, चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वही पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने को किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही कुछ खास नहीं साहब, महाकाली मार्केट बिकाऊ है। मुझे पता चला ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा, तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ, मेरे बारे में उसे बताएगा? मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। कैसी है? अभी नहीं, जरूरत नहीं।
जाने क्यों मैं वहां चली गई थी बेटा। ठीक है, मैं समझता हूं मां, लेकिन कुछ दिन और रुको, तब देखना। अरे भाभी, ये सब कौन लाया? वो चेरी की फ्रेंड लिली की आंटी श्वेता है ना, उनके अंकल ही इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं। 3 बार माँ को देख के गए हैं। अच्छा? वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। हाय बालू, मैंने बताया था ना, ये वही है श्वेता। हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। एक्चुअली सडनली मैंने इन्हें देखा तो सोचा कहीं इनको देखा है तो याद आया, अरे चेरी से शक्ल मिलती है, बिल्कुल मम्मी पे गया है। तब मैंने चेरी की मम्मी होगी सोच के इंक्वायरी की तो असली बात सामने आई। आप चिंता मत कीजिए आंटी, यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बेटी। तुम क्या करती हो? विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। फर्दर स्टडीज के वास्ते अमेरिका जाने की सोच रही थी मैं, लेकिन अब सबको छोड़ के इतनी दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ, मैं जरा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मैं चलती हूँ आंटी, बाय। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी। किस लिए? मैंने फोन तोड़ा था इसलिए, वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था। आप चाहे तो लिली से पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम? हाँ एक्चुअली इसे भी क्या मालूम, इतना फील हुआ मुझे कि उस रोज से आज तक कुछ नहीं तोड़ा मैंने। आखिर मैंने ऑमलेट खाना भी छोड़ दिया। क्यों ये नहीं पूछेंगे आप? क्यों? क्योंकि अंडा भी तोड़ना पड़ेगा ना। बाय। बाय। मुझ पे नहीं गोरी तेरा जादू चलेगा। दिल में मेरे आग लगी है तू भी जलेगा। मुझ पे नहीं गोरी तेरा जादू चलेगा। सुन ले मेरे यार, अच्छा नहीं ये इनकार, मैं जो चली गई यहाँ से तो हाथ मलेगा। मेरे दिल पे ना चले जोर किसी का जाना, डाल दूं जिस पे नजर हो जाए वो मस्ताना। तीर नजरों से चले रोक ले जाने जाना, ऐसे ना खुद पे अकड़ कर दूंगी मैं दीवाना। दिल में मेरे आग लगी है तू भी जलेगा। मुझ पे नहीं गोरी तेरा जादू चलेगा। चले जोर किसी का जाना, डाल दूं जिस पे नजर हो जाए वो मस्ताना। तीर नजरों से चले रोक ले जाने जाना, ऐसे ना खुद पे अकड़ कर दूंगी मैं दीवाना। Yeah.
दिल पे ना चले जोर किसी का जाना, डाल दूं जिस पे नजर हो जाए वो मस्ताना। तीर नजरों से चले रोक ले जाने जाना, ऐसे ना खुद पे अकड़ कर दूंगी मैं दीवाना। दिल में मेरे आग लगी है तू भी जलेगा, मुझ पे नहीं गोरी तेरा जादू चलेगा। मेरे दिल पे ना चले जोर किसी का जाना, डाल दूं जिस पे नजर हो जाए वो मस्ताना। तीर नजरों से चले रोक ले जाने जाना, ऐसे ना खुद पे अकड़ कर दूंगी मैं दीवाना। बालू, तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम चौंक जाओगे। तो मत बताओ। मना करने पर भी बताऊंगा। अपनी जो श्वेता है ना, मुझसे प्यार करती है, पता चला है। श्वेता तुझसे? हाँ, क्यों जवान फड़फड़ाने लगी? एक बात और बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। उन्होंने 25,000 रुपए एडवांस दिए हैं मुझे। इसलिए प्यार करने के लिए? अरे मजाक मत करो, प्यार करने के वास्ते कोई देता है क्या? वो तो 5-स्टार होटल में फुल सप्लाई करने के लिए दिए हैं। ये पैसे तुम वापस कर दो। क्यों जल गए ना? मैं बोल रहा हूँ ना, वापस कर दो। क्यों वापस करे वो? गलत क्या है? क्यों? मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती। बात पते की बोली। तुम चुप रहो जी। बताइए ना, एडवांस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुम एडवांस होती जा रही हो। यानी आपका मतलब मैं ये सब आपको पटाने के लिए कर रही हूँ? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। इस शहर में आपसे बढ़ के मर्द कोई नहीं है क्या? मुझे एक बार बुलाने की जरूरत है, बस बस चुटकी बजाऊंगी तो 100 मर्द लाइन में खड़े हो जाएंगे। क्या समझता है अपने आप को? तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से मेरा नाम खराब हो गया। वैसे वो लड़की मुझसे मिलने आई थी। यस, असल में मैं आई हूँ तुम्हारे लिए। इस शहर में तुमसे बढ़ के मर्द कोई नहीं है, ठीक है? आई लव यू। देखो मैं एक लड़की हो कि शर्मोया छोड़ के तुमसे बोल रही हूँ, मुझसे प्यार नहीं करती तुम? देखो मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती, ये सब जो देख रही हो वो सब दिखावा है और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वैसे अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स जागी हो तो मुझे माफ कर देना। बेचारी को ऐसा क्यों बोला? बेचारी बोल रहे हो? अपना मकसद भूल गए क्या? बालू, फिर वही दर्द उठा क्या? देखो ये पेन खतरनाक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल जरूरी नहीं है। मैं दर्द हो रहा है और हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहे हो तुम, चलो। हम यहाँ जिस काम से आए हैं उस काम को पूरा करने का वक्त आ गया है। कल ही ठाकुर बाबा वापस आ रहे हैं।
ए, क्या हुआ? रुको, रुक जाओ, छोड़ो मुझे, डालते हो तुम? अरे भाई पे हाथ डालते हो तुम? रुको, कौन है तू? ठाकुर बाबा को ही मारना चाहता था, तेरी इतनी हिम्मत? बात सुनो, तो मेरी बात समझ गए होंगे ना? एयरपोर्ट पर जब गया तो पता चला कि आपकी गाड़ी में किसी ने बम लगाया, इसीलिए आपको बचाने के लिए यहां तक आ गया मैं। ए, झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम पुलिस वाले हमेशा सबको शक की निगाहों से देखते हो, बचाने की कोशिश नहीं करते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बालू है भाई, मेरा दोस्त है। तेज धार है, इसे देखते ही लगता है ये रमणा गैंग का काम हो सकता है। आजा। बालू तुम इधर आओ। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरे दिल की तसल्ली के लिए तुम ये जाम पियो। कोई बात नहीं, रहने ले लो बालू। कोई बात नहीं, लो ना बालू। तुम्हारे दुबई के काम का क्या हुआ? काम हो गया। महाकाली मार्केट मैंने एक को बेच दिया, 200 करोड़ रुपये। क्या? कौन है वो खरीदार पता है? खान। खान? दिल्ली अंडरवर्ल्ड डॉन खान। वो तो तिहार जेल में कैद था ना? बेल पर बाहर आकर दुबई चला गया। पासपोर्ट कैसे मिला? उसी का नाम खान है, दुबई में छोटा बिजनेस है उसका। खान के सामने हम सब बच्चे हैं, छोटे बच्चे। फिर महाकाली मार्केट का क्या करेगा वो? पुरानी यादें, खान यहीं का रहने वाला है। महाकाली मार्केट पूरी तरह से तुड़वा के वहां पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाने की सोच रहा है। संभाल के ठाकुर बाबा, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप इतनी फायदेमंद नहीं होती, वेरी डेंजरस। बेवकूफों की तरह तुम बातें करना छोड़ के सीरियसली कार में बॉम्ब किसने रखा इसका पता करो। भाई 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 भाई, क्या बात है बालू? भाई आज का पेपर देखा आपने? किसी राजेश्वरी जी ने महाकाली मार्केट की जमीन वर्कर्स के नाम रजिस्ट्रेशन करवाएगी ऐसा विज्ञापन दिया है। राजेश्वरी फिर दोबारा इस शहर में आ गई? हाँ नारायण। पेपर देखा? हाँ देखा। क्या है ये सब? तुम फिक्र मत करो, जब तक डॉक्यूमेंट्स तेरे पास है कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या है बोल। एक महीने से आप शहर में नहीं थे और महीने भर में इस शहर में पता नहीं क्या क्या हो गया। जब आप वापस शहर में आए तो आपकी कार में किसी ने बॉम्ब रखा और अब राजेश्वरी देवी के नाम पर विज्ञापन दिया है। ये सब कुछ देखते हुए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेफ हैं या नहीं मुझे डाउट हो रहा है भाई। ऊपर से वो खान भाई ने खरीदा है, खान भाई बहुत डेंजरस आदमी, ऐसा DCP साहब कह रहे थे। आप एक बार डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं देख लेते तो बहुत अच्छा होता भाई। तुम यही रुको। हाँ? किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है भाई।
ए, वहीं रुको, तुम अंदर क्यों आए? भाई आपका फोन है। हेलो, लाइन पर तो कोई नहीं? रिंग बजी तो थी। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम बाहर जाओ। जी। हाँ नारायण। ठाकुर बाबा, वो साला बालू कहाँ है? क्यों? उससे होशियार रहना तुम। तुम्हारी कार में बॉम्ब उसी ने रखा था, अभी पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद। ए, कौन है बे तू? राजेश्वरी का बेटा हूं। यहां क्यों आए हो तुम? तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, उन पर तेरे दस्तखत के वास्ते, महाकाली मार्केट की जमीन के वास्ते, शंकर राम जी के वादे को पूरा करने के वास्ते। इतना सीरियस हो के तुमने विश्वास जीता मेरा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। Oh.
फिर से आपको देख पाएंगे ऐसा सोचा भी ना था। मेरे पति के ना होने पर भी उनका वादा मैं तहे दिल से जरूर पूरा करूंगी। आज से आप लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या हुआ, बालू क्यों नहीं पहुंचा? मैं जाकर देखता हूँ। नमस्ते खान भाई। गनी कहाँ है? गनी? वो कौन है? मैंने इसके साथ ही देखा था खान भाई, उसको अपना छोटा भाई भी कहा इन्होंने। वो गनी नहीं है, बालू है। बालू कहाँ है? वो अभी अभी हम सबको धोखा देकर उन महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहां से भाग गया। डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स से उसका क्या लेना देना? वो राजेश्वरी का बेटा है। राजेश्वरी का बेटा? उसने तुम सबको उल्लू बनाया है। उसने तुम सबको पागल बनाया है। उसके माँ बाप कहां से आ गए? उसका माँ बाप सब कुछ मैं हूँ, अब उसकी मौत भी मैं हूँ, समझे? कुत्ते, कमीने, हरामखोर! जरूर ये बाइक बालू की ही है। चलो। हेलो, कौन है आप? हट! बाय। ओए अंधे, सब सामान तोड़ रहा है। तेरे बाप ने मुझे तुझे 500 रुपए बेचा है, तू साला मेरा नुकसान कर रहा है। सूर कहीं का? तुझे इस जन्म में तो अकल नहीं आएगी, शादी कर ले मेरे भाई। जिस आदमी को अकल होती है वो कभी शादी नहीं करता।
मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे। छोटू इधर रहा, खाने में क्या है? बहुत कुछ है, आपके लिए क्या लाऊं? हाँ ठीक है, बंदोबस्त करो। गर्मा गर्म समोसे लाऊं? क्यों सेठ जी? हाँ ठीक है ले आओ। ठीक है। अरे मिया, दिल्ली में कुछ भी चाहिए तो हमें बोलो, हम करेगा। यहाँ आपको होशियार रहना चाहिए, ये राजधानी है बॉस। साहब जी, चार प्लेट समोसे चाहिए टेबल नंबर 4 पर। ओए उधर क्या कर रहा है तू, चल अंदर चल, जाके बर्तन साफ कर, चल जाके काम कर। धनराज वहां लॉयर के साथ बैठा है, देखो उस तरफ, वही खान औरंगाबादी। वो साला मरेगा मुझसे, खान यहाँ दिल्ली में हमारे साथ टक्कर लेता है, साले को तो मैं, ए, उसे यही मेरे हाथों मरना है। खान, वो छोकरा कुछ इशारा कर रहा है, देखा तुमने? 3 नंबर के टेबल में गन वाला है। इधर आ, इतनी फायरिंग हो रही थी तू देख रहा था, तुझे डर नहीं लगा? हम डरेंगे तो मर जाएंगे भैया। कंजो इसे डर नहीं लगता। तेरा नाम क्या है? हनी, हनी। खान, उस धनराज के आदमियों ने रात को इसे कनाट प्लेस के पास से किडनैप करके मार डाला और यहाँ फेंक दिया। गनी कहाँ है? वो खान दा पुत्र गनी इत्थे आ रहा है। क्या बकता है गधा साला, वो इधर क्या कहेगा? ए ए पकड़ो, ए ए रुक, इधर रुक, रुक इधर, चेक कर। यारे इधर आने का हिम्मत कैसा हुआ तेरा? वो खान का कुत्ता भेजा क्या तेरे को? छोड़ूंगा ने साला, डर गया क्या? ये देख, जंगल में बहुत जानवर होता है लेकिन एक ही राजा होता है, एक शेर। ये दिल्ली है, यहां का शेर मैं हूं, तू कुछ नहीं कर सकता साला। बता क्यों आया इधर, क्यों आया इधर, बताना, अरे बताना। तुम्हें मारने के लिए। सुना तुमने? ये कुत्ता मेरे घर में मुझे काटने आया है। अरे काट मुझे। Thank you.
नहीं 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 गनी नहीं रुक जा। नाम क्या है? नीलम। क्या है ये? लड़कियों में अगर कुछ हो तो हम नंबर देते हैं। आज तेरी पर्सनालिटी को देख के ये जैकी फिक्स करता है, तुम्हारे लिए 100 रुपये। क्यों रे, 100 बहुत है ना? बहुत है इसके लिए। क्या समझता है अपने आप को? अपनी माँ बहन के लिए फिक्स करना, ये रेट तब मजा आएगा, चप्पल से मारूंगी। उन लोगों के बारे में जानते हुए भी तूने ऐसा क्यों किया? क्या कर लेगा वो? हाँ, क्या कर लेगा वो? मेरा रेट फिक्स करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगी? ठीक है, आज जो भी होगा देखा जाएगा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करूंगी, इन सबको अंदर करवा कर ही छोड़ूंगी।
देवी सर्वभूतेषु धैर्य लक्ष्मी रूपेण नमस्तते। क्या कर रही हो तुम अंदर? क्या है ये, हॉस्टल है या मंदिर? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए धैर्य लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। डर? वो क्यों? नीलम के साथ जो हुआ ये जानने के बाद डर लग रहा है मुझे। मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं, बुखार भी है। हाँ, इसका बदन तो जल रहा है। ए, उसे कुछ हुआ तो तुझे क्यों बुखार आ गया? पागल है, चलो कॉलेज चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चल पगली कहीं की, आज सेमिस्टर का रिजल्ट है, सबको कंपलसरी अटेंड करना है, ये प्रिंसिपल साहब का हुक्म है। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। कम ऑन। डाइल्यूशंस टू सीएसएम, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। एनी डाउट्स आस्क मी। हैव यू कंप्लीटेड? आप सबको एक बात बतानी है, इस सेमेस्टर में भी इंदिरा ने सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की है। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। इंदु, तुमने लास्ट टू सेमेस्टर्स की फीस अभी तक नहीं भरी। तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पर मैंने देखा। तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ा ख्याल रखो, ओके? ओके सर। इंदु, हाँ? तेरे लिए ये लेटर आया है, ये ले। बस लेटर ही है, मनी ऑर्डर नहीं आया? नहीं आया, बस लेटर ही है। ओके थैंक्स। ओके इंदु, तुम्हें पैसे भेजने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की बेटी, लेकिन न भेज सकी। यहाँ हालत ठीक नहीं है, व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए 2 महीनों से तुम्हें पैसे नहीं भेज पाई। तुम समझ सकती हो, हालात को समझते हुए पढ़ाई छोड़कर घर आ जाओ तो ठीक रहेगा, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी। पर मैं क्या करूं, दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तुम्हारी माँ। मेरा सामान कहाँ है? इंदु, तुझे वार्डन ने बुलाया है। तूने इसे अपने बाप की जागीर समझ रखी है? जो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा, पैसे भरकर अपना सामान लेकर जाओ। शर्म आनी चाहिए, पैसे तो भरे नहीं मगर आंसू देखो मगरमच्छ के कैसे बाहर आ रहे हैं। हालात को समझते हुए तुम पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। ए, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं भैया, हमें मिली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, वो धनराज के आदमी वहीं पर आ रहे हैं, कंफर्म। मुझे माफ करना माँ, पढ़ाई के बिना मैं जी नहीं सकती, इसलिए जान दे रही हूँ। मुझे जिंदगी ने क्या दिया, सुख से मुझे जीने नहीं दिया, कम से कम खुशी से मरने तो दो। हेलो, रेलवे इंक्वायरीज, निजामुद्दीन एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या 2 घंटे लेट है? उससे पहले कोई ट्रेन आने वाली है? क्या एपी एक्सप्रेस पहले आएगी? निकल चुकी है, 2 मिनट में आएगी। सेकंड ट्रैक पर आएगी ना? थैंक यू, सेकंड ट्रैक पे आएगी। मैं आत्महत्या कर रही हूँ और यहाँ किसी को फिक्र नहीं।
जिंदगी कैसी ये पहेली हाय कभी ये हंसाए। हेलो, आपको क्या मजाक सूझ रहा है? अरे रात के समय एक लड़की आत्महत्या करने जा रही है और तुम उसे रोकने के बजाय ट्रेन कब आएगी ये कह के इंक्वायरी करते हो? कोई सिनेमा के सीन देखने जैसे एंजॉय करते हो और ऊपर से गाना गा के मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ाते हो। प्रॉब्लम्स है तो मरने जा रही हो, तो मरो। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स है। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, डर लगता है तो मर जाओ। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, डर लगता है तो मर जाओ। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। बदली सी नजर आ रही हो। इंसान को बदलती देर नहीं लगती। चलो सुनो, जैकी और उसके दोस्त आते ही होंगे, आने दो। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। ए, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ए, रुक रुक। वाव, फैंटास्टिक फिगर। ओए, चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल, चल देना। अरे दे, तू भी दे, दे मुझे। ये लो। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में तुम जैसी फिगर का रेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे लिए काफी नहीं, मैं फिर आऊंगा। सुन बे, इस रेट पर तेरी बहन जरूर आएगी, पूछ क्या लास कर। तू पागल हो गई है क्या? उसके बारे में जानते हुए भी लफड़ा मोल ले रही है? मतलब वो कुछ भी बकता रहेगा और हम सुनते रहेंगे? इंदु इंदु, वो बहुत ही डेंजरस लड़का है। चलो हम सब हॉस्टल चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं लैब जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, चलो। इंदु प्लीज मेरी बात मानो। इंदु तुम समझते क्यों नहीं, वो लोग बहुत बुरे हैं, उनसे दुश्मनी ठीक नहीं। नीलिमा का क्या हश्र हुआ याद नहीं? गनी,
मुझे फिर से डर लग रहा है। डर लगी तो मर जाओ कहा था तुमने, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत तो गनी। वेरी गुड, बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुम फर्स्ट आई हो सब में। तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत आ गई बेटी? अगर तुम चाहो तो तुम्हें कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आंख मुंद कर ले लेंगे बेटी, और वहां काम करोगी तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ आमदनी भी खूब होगी। कहो तो मैं किसी से बात करूं? नहीं बाबा, कल तक इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटता है सोचती थी, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि पैदा हुए हर प्राणी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को पूरी करते हुए दूसरों के कष्टों को भी अपनाने का निर्णय लिया है मैंने। दया करके एक मौका दीजिए मुझे। ठीक है, आज से बेटी तुम यहीं पे रह सकती हो। थैंक यू बाबा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गनी। इंदिरा मैडम, आपको प्रोफेसर नंदा साहब ने बुलाया है। क्यों, तेरी इतनी मजाल की तूने हम पर ही हमला किया? कहां से आई इतनी हिम्मत? जैकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया, असल में तुझे हमारा बैकग्राउंड मालूम नहीं है। साली, तुझे ब्लैक बंडी मालूम है? चांदनी चौक का मस्तान पहलवान मालूम है? हां, तुझे गनी मालूम है? पकड़ो मुझे, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। तुमको शायद जीने की इच्छा नहीं है। टच मी, कम ऑन, बोटी बोटी निकाल के रख देगा। भाग निकालो, जल्दी भागो, भाग निकालो, भाग निकालो। गनी, तुम इतने बड़े गुंडे हो, फिर उस दिन इतने फिलोसफी झाड़ रहे थे। उसका हाथ काट देना चाहिए, जिंदगी में याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। गले भैया आ रहे हैं। भैया, दरियागंज ब्रिज के पास धनराज के आदमियों ने अटैक किया, हम बच के भाग आए, लेकिन गिरीश को बुलेट लगी, उसका अंदर ऑपरेशन चल रहा है। भाई, ये एरिया का इंस्पेक्टर है ना, वो केस क्या है इसको बोल। वो चाचा संभाल लेंगे। गनी, तुम वहां बैठो, मैं बात करके आता हूँ। हेलो साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप फरमाइए। मुझे नहीं पहचाना। गनी, वो एरिया का इंस्पेक्टर बहुत लफड़ा कर रहा है। भैया चाय। वो पुराने ब्रिज के पास सब लोगों के सामने
अपने आदमियों ने गन्स निकाले थे, उनको प्रेस वालों ने भी देखा था। ए, उसको रुपया कितना चाहिए पूछ लो, जितना चाहिए दे दो। चाय? चलो। अब याद आया ना, मैं हूँ वो रेलवे ट्रैक। ये आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बताइए। यू नो, मैं यहाँ हाउस सर्जन हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं कर दूंगी। हमारा हॉस्टल भी बगल में है। ए, भाग जा। देखो बच्चों, वहाँ रेड लाइट होते ही जो भी कार रुके उसके पास जाकर हेल्प द होमलेस सर, हेल्प द होमलेस सर कह के बोलना। वहाँ जाकर क्या बोलोगे बच्चों? हेल्दी होमलेस सर, हेल्दी होमलेस सर। करेक्ट। किसी को फोर्स मत करना तुम, जितना देंगे उतना तुम ले लेना। ओके ओके मैडम। थैंक यू, हेल्प द होमलेस सर। भैया वही लड़की लगती है। कौन सी लड़की रे? हॉस्पिटल वाली भैया। हाँ बेचारी भैया, वो वहाँ भीख मांग रही है। थैंक यू, सॉरी, इट्स ओके, हेल्प द होमलेस सर। अरे हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। हमें क्या, वो जो भी करे, तुम्हें कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं है? हेल्प द होमलेस, जितना कहा जाए उतना करो। हेल्प द होमलेस प्लीज, अनाथ बच्चों की मदद कीजिए। जरा छुट्टे दे दे। अभी दिया ना, दोबारा क्यों मांग रही हो? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्राश्चित होगा। हेलो, आप ही से। थैंक्स। ये क्या कहा उस लड़की ने? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। ऐसा बोलने वाली वो कौन होती है? तुमने उसे पैसा दिया इसलिए वो बोली। तुमने पैसे उसे क्यों दिए? तुमने दिए ना भैया पैसे? ए, जरा इधर आ। क्या बात है, फिर से पैसे देंगे? क्या कह के गई तू सर? क्या कह के गई तू? पाप करने वाले लोग दान करे तो। मैंने पाप किया या पुण्य तुम्हें कैसे मालूम? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? देखो मुझसे पंगे मत लो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मालूम है या नहीं? मालूम है। क्या मालूम है? आप भले आदमी नहीं हो। हाँ देखो, आखिरी बार कहता हूँ, आईना मुझसे टकराई ना तो। आगो। भैया वार्निंग दे रहे हैं या टका कर रहे हैं? ए सुनो मेरी बात, ये जोक नहीं है। मैं अपनी पहली सैलरी पर तुम सबको ट्रीट दे रही हूँ। ओके, जो चाहे तुम ऑर्डर कर लो। ए सुन, तुम क्यों इतनी उदास बैठी? अरे भाई कल से सेमेस्टर एग्जाम्स है ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मर जाओ। हाँ? डरने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत, चिंगारी से लड़ो, वही इंसान की फितरत है। बीच में गन साउंड क्यों है? क्योंकि अब मैं डरती नहीं। डिशुम डिशुम। इंदु कंट्रोल योरसेल्फ, ही करके हंसो मत, तुम कंट्रोल में रहो। ए हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ए अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ ही देर में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? वहाँ देखो, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। बड़ा स्मार्ट है। ए वो एक गुंडा है, जब मैं कहती हूँ तो उसे देखती क्यों हूँ? क्यों, तुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं? हाँ? चल बाहर चल। गेट अप। इनफ या कमल, लेट्स गो। अचानक क्यों उड़ गई? अरे ये रुक क्यों गई?
तूने देखा भाई, गनी वहां बैठा हुआ है। ये बिना कोई संबंध के यहां आ गई। हमें तो इसने गनी के बारे में बहुत कुछ कहा था। हमें अल्लू बनाती है तू। चल कॉलेज पहुंच, देखता हूँ। इंदू क्या बात है? वन मिनट। टू पेप्सी प्लीज। हाय। हमसे कहा वो गुंडा है और उसे पेप्सी दे रही है। फ्रॉड। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, फिर से मुझे चाने को मत कहना प्लीज। हम बातें करेंगे यहाँ बैठ के। ओके ओके, गुस्सा मत होइए, हम खड़े रहकर ही बात करेंगे। ओके ओके, आप मत बोलिए, मैं ही बात करती हूँ। वो येलो कोट वाला है ना, उसे देखिए, अजवा उधर। उस दिन आपने भी इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी ना? अरे मेरे बारे में बोल रही है। और कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर की शर्ट वाला है ना? अरे आप वो मेरे बारे में बोल रही है। वैसा ही चूड़ीदार मैंने पहना हुआ था उस रोज। बालो! यू नो आई लाइक दिस पेप्सी बिकॉज इट्स ब्लैक एंड नॉट रेड। दिस चेरीज रेड एंड योर शर्ट इज ब्लू, व्हाइट ग्लासेस, व्हाइट शर्ट, या एवरीथिंग इज ग्रीन अराउंड अस, डोंट यू थिंक सो? से समथिंग। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हंसी चाहिए। What am I gonna do without you? What am I gonna say, my angel? What am I gonna do without you? What am I gonna say, my angel?
to me, I'm the best dog. Shake your body, hey. जिधर तू आए नजर आंखों में बस तू ही तू रहे राजन साहब आइए आइए नो नमस्ते नमस्ते बाद में पहले उस शांति बाबा के बारे में सोचो मेरे मन की शांति को भंग कर रखा क्या है हुआ? अरे क्या हुआ राजन साहब उसने मुझे मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया है उसके नाम पे जो ट्रस्ट है उसके पैसे मैंने खा लिए कहता है अरे कहना क्या है वैसे मैंने ही खाए हैं मैंने क्या सभी ने खाए हैं वैसे पहले इतने सारे प्रॉब्लम से ऊपर से इसका लफड़ा और तीन 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 फैमिलीज को मेंटेन कर रहा हूं मैं उसको बोला 2 करोड़ दूंगा साइलेंट हो जाओ छोड़ दो कह के विनती भी किया रिक्वेस्ट भी किया नो नथिंग तुझे तो मंत्री पर छोड़ना ही होगा जिद पे बैठा है बोलता है तब तक नहीं सोऊंगा मैं बात करूंगा ओके तभी तो मैं आपके पास आया हूँ कुछ ना कुछ करो और साइलेंट करो ओके ओके मेरा पार्लियामेंट जाने का टाइम हो गया मैं चलता हूँ कनी नागपुर में बुलाऊं क्या उसे नहीं मैं सब संभाल लूंगा मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ न्याय के लिए इस तरह का आदमी उस कुर्सी पर बैठने के लायक बिल्कुल नहीं उसने आज अनाथ बच्चों को धोखा दिया है कल वो पूरे देश को धोखा दे सकता है उसने 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया उन पैसों के साथ उसका इस्तीफा भी चाहिए बाबा 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 पदवी चली गई तो पैसे कहां से लाएगा बोलो अब राशि की बात करो प्लीज बाबा हमारी बात समझो उससे हम पूरा पैसा वसूल करके देंगे बट इन इंस्टॉलमेंट्स ये केस अगर आप विड्रॉ कर लेते तो उसके पेपर रेडी करके लाया हूँ मैं दस्तखत कर बाबा साइन करो साइन करो बाहर जाइए बाबा मैंने कहा बाहर जाइए मुझे बाहर जाने को बोलता है बाहर जाइए आप बाबा बाहर चले जाइए दया करके हमें समझने की कोशिश आप लोग बाहर जाइए पिस्तौल खा लिए मुझे बाहर भेजता है चलो बाहर इन सबको बंद करके आग लगा दो देखो, देखो खान ऐसा मत करो खान
जल्दी चलो, कौन हो सकता है? आप कातिलों के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज प्लीज, कौन कर सकता है? जल्दी चलिए, कम ऑन, आगे चलिए। प्लीज प्लीज, रात के वक्त आश्रम में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे बहुतों की जाने गयी। बाबा जी के साथ साथ करीब 200 लोगों की मौतें हुई ऐसा हमें लगता है। सर, क्या आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी? यस सर। बाबा जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ केस फाइल किया था। प्लीज, क्या उसका इससे संबंध? डोंट डाइवर्ट द इशू। यू डोंट डाइवर्ट द इशू। हां, आप बताइए मैडम, कि आग लगने की वजह क्या थी? हां बताइए। ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बाबा जी और इन मासूम बच्चों को बुरी तरह जलाकर मार डाला, अपनी आंखों से देखा मैंने। ऊपर के वाटर टैंक में बाकी के बच्चों को लेकर मैं छुप गई, तभी बच गए हम लोग। किसने ये कांड किया जानती है? नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। हेलो, क्या किया तूने? टीवी में देखा? अरे मैंने क्या बोला था और तूने क्या किया? उस लड़की ने तुम्हें जरूर आश्रम में देखा होगा। कल अगर तुम्हें पहचान लेगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। मुझे नहीं पहचानेगी, ये बात मुझ पर छोड़ दो, समझ गए? नो नथिंग। वैसे एक बार तुम्हें काम देके मैं पछता रहा हूँ। इस बार तो काम ध्यान से करो। उस लड़की को सीबीआई वालों ने पुलिस गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। राजू जी, कन्नी को बुलवाओ जल्दी। ये सब कैसे हो गया? किसकी लापरवाही से हुआ? चाचा, किसने फंसाया आपको? राजू, ये वाली लड़की तुम जानते हो? मैं नहीं, पर गनी जानता है इसको। इन दोनों के बीच कुछ प्यार का चक्कर है। क्यों, ठीक है ना? प्यार? क्यों नहीं है? तुझसे किसने कहा प्यार है? तूने हम दोनों को देखा है प्यार करते? हाँ, क्या जानता है तू? क्या मालूम है तुझे? गनी, रिलैक्स गनी, रिलैक्स। hey, जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा बेटा है। हाँ साला, गनी, देखो मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो उसे मारना होगा, समझे? जी। शाबाश। देखो बेटी, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। 5 दिन तुम्हें यही रहना होगा। रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। सर प्लीज, एक बार घर फोन कर सकती हूँ क्या? सॉरी, प्लीज यहां से तुम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। अरे यार, मुझे गांव जाना था, छुट्टी नहीं मिल रही है। Only 5 days. Please cooperate with us. Be careful. Good night. बहुत तगड़ी है, कोई देखेगा तुम्हें तो मार देगा। तुम जाओ, मैं बाहर आती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ प्लीज। प्लीज गनी, जाओ ना यार। ऊपर से कुछ आवाज आई है। अरे ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी। Thank you.
क्या हुआ भाई? वो खुद ही बाहर आ रही है। वो लड़की क्यों बाहर आएगी? वैसे अब तो पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। चलो भैया, तुमने ठीक ही कहा था। देखो वो लड़की आ रही है, मौत उसके सर पर मंडरा रही है। गन रेडी है ना? संभाल के, चारों तरफ पुलिस वाले हैं। मैं वहां वेट करता हूं तुम्हारा। एक गोली से खत्म हो जानी चाहिए। गनी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुमने आज का पेपर देखा होगा, टीवी में न्यूज देख के मुझसे मिलने आए हो ना? इन सब का कारण मैं नहीं हूँ गनी, मुझ में बसे तुम हो। एक छिपकली को देख के मैं डरती थी, लेकिन उस रोज की तुम्हारी बातें वाकई मेरी जिंदगी ही बदल डाली तुमने। आज उस खान जैसे खुखार दरिंदे से मुकाबला करने के लिए मैं नहीं खड़ी हूँ गनी, बल्कि मुझ में बसे तुम हो। तुम जानते हो गनी, बाबा जी को उन्होंने अगर गवाही दूंगी तो वो राक्षस मुझे भी मार देगा। मैं नहीं डरती, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा बेटा है। बेटा, तुमको पहले ही बोला था लेकिन नहीं माने। अब क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे जाओ या फांसी चढ़ोगे? बहुत उछलते थे ना, मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा। मारा उसे? क्यों मारूं मैं? उन भोले भाले बच्चों को मारना क्या घिनौना काम नहीं था? बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इस गलती को छुपाने के लिए उस लड़की को मारना और भी बड़ी गलती होगी। क्यों गलती की है ना मैंने? हाँ, बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती। खत्म करना चाहते हो मुझे? नहीं गनी। इस गनी को खत्म करने के लिए गन नहीं, कलेजा चाहिए। मैंने तुझे हाँ, तूने मुझे पाल पोस के खूनी तरिंदा बनाया है। तुम आज तक मैंने तुम्हारे इशारे पर हर काम को सर झुका के किया। नहीं गनी। लेकिन अब इंदु के मामले में दखल दी तो सर उड़ा दूंगा। मैं नहीं डरती, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो चाचा। प्रणाम साहब। हेलो,
कंट्रोल रूम। क्यों बेटी रो रही हो? गनी तुम्हें नहीं मार सका इसलिए। उसने जो काम अधूरा छोड़ दिया था मुझे करने को बोला है। 5 करोड़ मिले हैं और 5 जन्म पुलिस की नौकरी करके भी इतना रुपया कमाना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा लेकिन इल्जाम गनी पर ही जाएगा। सॉरी बिटिया, माफ करना। डिफेंस लॉयर के सबूतों के आधार पर शांति बाबा आश्रम में हुए हादसे में लतीफ खान अलियास खान भाई का ही हाथ है, ऐसा अदालत मानती है। इसलिए अदालत खान भाई को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करने का आदेश सीबीआई को सौंपती है। यह अदालत पूरी तहकीकात के लिए 3 महीने का वक्त देती है। तुम रो क्यों रही हो? सब लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, किस पर भरोसा करूं कुछ समझ नहीं आता। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं, मगर जिसने मुझे जीने की राह दिखाई आज वही मेरी जान का दुश्मन हो गया है, ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। दुश्मन अब दोस्त बन गया है। जीने की तमन्ना अब और बढ़ गई। उतरो, बाहर निकलो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? उतरो। जीप क्यों खाई में धकेल दी? उस जीप में जाना हम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं। मेरी बात सुनो इंदु, तुमने कोर्ट में गवाही दी है इसलिए तुम कहां हो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उनको तुम्हारे बारे में अगर पता चला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पढ़ाई से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। रहने वाली कहां की हो? आगरा। तभी
जैसा मेरा भी हाल है वैसा तूने मेरा दिल ले लिया। भैया भैया इधर रखो। यही यही मेरा घर। जाओ आप भी चलिए। तुम जाओ ना। घर तक आकर आप अंदर नहीं आएंगे? मैंने तुम्हें हिफाजत से यहाँ तक छोड़ा, घर आना जरूरी है। हम फिर कब मिलेंगे बालू? बालू क्यों? अब से मैं तुम्हें बालू ही बुलाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। इंदु ये बालू तो ठीक है, ये ABCDEFG का मतलब क्या होता है? वो तुम्हें समय आने पर बताऊंगी। इंदु कैसी हो? इंदु तुम हमेशा टीवी और पेपर में ही दिखाई देती हो, आज सामने आई हो। माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान, कुछ पता है? ये कौन है? ये मेरे क्लासमेट। अच्छा क्लासमेट है, मतलब ये भी डॉक्टर ही है। हेलो आई एम बंटी, मैं फ्लोरिस्ट हूँ। इन्हें अंदर ले जाओ, मैं माँ को खबर करता हूँ। अंदर जाइए, जब यहाँ तक तशरीफ लाए हैं तो हमारा घर भी देख के जाइए ना। वो मेरे भाई के दोस्त हैं, अब हम इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। प्लीज अंदर चलिए ना प्लीज। दीदी कैसे हो? हमें कितना टेंशन में डाल दिया तुमने। मेरी छोटी बहन। नमस्ते। चलो दीदी, माँ बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो राहत मिलेगी उसे। इंदु तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, ये मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते। हाय आंटी। चेरी इधर आ, हाउ आर यू? फाइन 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 फाइन। क्या ये क्लासमेट है? इंदु क्या हुआ? क्या हुआ? गवाही देती हो? गवाही दुनिया की बड़ी फिक्र है, अपने पिताजी और भाई को खो बैठी तू। इतना होने पर भी अकल नहीं आई, अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। अब भी तुझे चैन नहीं? यहाँ कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्यों भागेंगे हम? क्यों डर के जिए? हम भयभीत होके जिएंगे तो वो हमें भगाते ही रहेंगे। मैं उनका मुकाबला करूंगी, अब हम और डर के नहीं जिएंगे। वही तेरे पिताजी ने भी किया, क्या हुआ? हम सबको अनाथ बना दिया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी। पिताजी जो करना चाहते थे उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी। इतना धैर्य तुझ में कहां से आया? घनी आज की नारी इंदिरा प्रिया दर्शनी पुरानी इंदु नहीं है। क्या परिवार था इनका। इंदु वापस अपने शहर जाना चाहती है, अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं। भैया हाँ? माँ बुला रही है तुम्हें। हाँ। चलो खाना खा ले। इंदु क्या है? क्या हुआ था? पहले खाना खाते हैं। तुम लोग यहाँ भाग के आए थे क्या? मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? कभी तुमने मुझे बात करने का मौका दिया है क्या? जब मेरे मन को तुम समझ नहीं पाए तो मेरी समस्याओं को कैसे समझते तुम? और तो और तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया क्या? बहुत कुछ मैं जानना चाहती थी, बहुत कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे, मगर कभी भी तुमने मुझसे ठीक ढंग से बात की या जवाब दिया मुझे? तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। मुझे पैदा करने वाले पिता ने शराब की खातिर 500 रुपए में मुझे भेजा ये बताता, और उस खरीदार ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खूंखार दरिंदा बनाया। मैं जिस बुरी संगत में पल के बड़ा हुआ ये बताता तुम्हें? मैं इतना बुरा हूं कि अपने बारे में क्या बताऊं? सच बताऊं तो ये दो चार लम्हे जो तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए, यही सच है। लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूं इंदु, मैं तुम्हारे प्यार का नहीं सजा का हकदार हूं। मुझ जैसे आदमी को तो प्यार करने का हक ही नहीं, प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं।
मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी। तुम कैसे आदमी हो ये मैं जानती हूँ। अपनी गलती का एहसास जिसे हो जाए वो बुरा कभी नहीं होता। ये भोलापन अच्छाई का प्रतीक है। बीती जिंदगी के बारे में सोच के पछताने से अच्छा है आने वाले कल के बारे में सोच के भविष्य सुधारें, और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ साथ। इंदु, बाकी की बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। प्लीज आइए ना। ABCDEFG का मतलब पूछा था ना तुमने? A boy can do everything for a girl, करोगे ना? सुबह सुबह रसोई में क्या हो रहा है इंदु? कॉफी चाहिए तो मैं बना देती। वो चला गया क्या? तेरा साथ देगा तूने सोचा था ना? तो सचमुच ही चला जाऊंगा। जाओ। जरा मुझे देख के बोलो तो जानू। चले जाओ। बिल्कुल। चला जाऊं? बिल्कुल। मुमताज, जाने को बोल रही है, तुम ही गवाह हो। यह लड़की सच में अगर मुझसे प्यार करती है तो मेरे 3 गिनने के अंदर भागकर मेरी बाहों में आ जाएगी। 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
3 दो बार, 3 तीन बार और 3। तुम चले जाओ।
ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं होगा मुझसे। सब ठीक हो जाएगा। जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो इंदु, नहीं, इंदु, इंदु, देखो, दोनों साथ मिलके नई जिंदगी शुरू करें, सोचा था, लेकिन विदा तो कुछ आज मंजूर नहीं है। उस दिन से बालू हम सबका होकर रह गया। अपनी जिंदगी की राह बदल दी बालू ने, लेकिन आज बालू डॉक्टर बोले अंदर होने की वजह से ये दर्द उठता था, उसे निकाल दिया मैंने, लेकिन ब्लड काफी बह गया है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें तो बेटर है। हॉस्पिटल ही नहीं, हम ये शहर भी छोड़ देंगे। बंटी तुरंत यहाँ से हम सबके निकलने की तैयारी करो। माँ मैं नहीं आऊंगा, आप लोग चले जाइए। क्यों? डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के नाम पे करने बाकी। अब बस बहुत हुआ बालू, बाकी सब वो खुद संभालेंगे। पहले हम ये शहर छोड़ देंगे बेटा। इंदु की इच्छा पूरी किए बिना कैसे जा सकते? तुम कौन होते हो उसकी इच्छा पूरी करने वाले? तुम बस यहाँ से चले जाओ। माँ और क्या करूँ मैं, इसको समझाना मुश्किल है। बेटी को तो खो चुकी हूँ मैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहती, कैसे समझाऊं? बेटे वो खूनी आदमखोर यहाँ भी पहुँच गए, पूरा शहर छान मारा तुम्हारे वास्ते, तभी तो यहाँ छुपा कर रखा है तुम। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर सनात हो जाएंगे। माँ तुमको अगर मुझ पर भरोसा है तो एक और मौका दो मुझे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोग मेरी मदद करोगे। भाई कैलाश मार्केट वाले अड्डे पर पुलिस ने रेड की है। खान भाई, खान भाई, खंडाला पार्ट में हमारे माल के साथ साथ रसूल और साथी पकड़े गए। भाई भाई पुलिस को हमारे बारे में पूरी खबर मिल गई है। अरे खान, एक मच्छर भी आदमी को हिंजड़ा बना देता है, मालूम है तेरे को? आज तुम कंगाल हो गए खान, खाली हाथ से ताली बजाओ। भाई वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला, सारे हॉस्पिटल छान मारे। उस दिल्ली वाली लड़की के बारे में पता चला, राजेश्वरी की बेटी है। बल्लू गाड़ी निकालो। ऊपर जाके देखो, कहीं नहीं है, यहां भी नहीं है।
यहाँ नहीं है। इंदु की इच्छा पूरी हो गई और अब तेरी मौत का पैगाम आया है, उसे पूरा करके ही मैं दम लूंगा। चल मार मुझे, मार मार मुझे, मार 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 मुझे। ओय मारना, मार मार और मार। ओय चल निकल अपनी बड़ा, मार मुझे। मुझे तूने पाल पोस के बड़ा किया, उस खून की कीमत मैंने चुका दी। तूने मुझे इंसान से तरिंदा बनाया, उसका पतला आप लूंगा। Yeah!
को बदल लिया और साथ में इन लोगों की जिंदगियां भी बदल डाली। प्यार में बड़ी शक्ति होती है, किताबों में पढ़ा था, मगर आज देख रही हूं तुम जैसे फरिश्ते का प्यार पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े मैं करूंगी। भैया आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना भैया? बहुत हौसला है मेरे सीने में।